अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिन टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहे हैं फाइंड कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट आपको 1 to 8 दिए हुए हैं, इनकी कंजुगेट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इनका कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे, इसका पार्ट 1, तो उसमें देखेंगे कि कंजुगेट कैसे निकालते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास पार्ट 1 क्या है, 4 + 5 iota। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे पार्ट 1 क्या है आपके पास, 4 + 5 iota। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन को नीचे राइट कर लेना है। ठीक है, ये सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, और क्वेश्चन को नीचे लिख लिया। क्वेश्चन आपके पास है 4 + 5 iota। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने फाइंड करना है कंजुगेट। तो कंजुगेट फाइंड करना आप यहाँ पे देख लें किस तरह से निकालेंगे। आपको जो क्वेश्चन दिया होगा ना, आपने उसको जेड के इक्वल ले लेना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे आपको 4 + 5 iota दिया हुआ है, आपने उसको जेड के इक्वल ले लिया। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, कंजुगेट लेने के लिए आप ना दोनों तरफ बार ले लेंगे। ठीक है, इस पर भी बार ले लेंगे और इस पर भी बार ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है जेड का बार तो एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जब यहाँ से बार आप हटाएंगे ना, तो आपके पास ये जो आयोटा वाली टर्म है ना, इसके साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, बाकी एज इट इज आपने लिखना है। तो ये है आपके पास इस क्वेश्चन का कंजुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये इस क्वेश्चन का कंजुगेट आ गया। तो हम इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 5 iota है आपके पास, इसको हमने लेट पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे टू फाइंड कंजुगेट। ठीक है, टू फाइंड कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जेड के इक्वल ले लेना है क्वेश्चन को। लेट जेड इज इक्वल्स टू 4 + 5 iota। ठीक है, क्वेश्चन को आपने जेड के इक्वल ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों तरफ बार लेंगे। ठीक है, जेड का बार इक्वल है 4 + 5 iota के बार के। ठीक है, जब आप यहां से बार हटाएंगे तो आपके पास आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और 5 iota। तो ये है आपके पास इस क्वेश्चन का कंजुगेट। उसके बाद आपने फाइंड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू। आप यहां लिखेंगे टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए अब वो भी आप यहाँ पे पहले रफ में समझ लें, एब्सोल्यूट वैल्यू आपने कैसे निकालनी होगी। जब आपको क्वेश्चन में कहें कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें, आपने वही क्वेश्चन को जेड के इक्वल लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को हम यहाँ पे जेड के इक्वल ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 + 5 iota, इसको जेड के इक्वल लिया, जेड इक्वल्स टू 4 + 5 iota। जब एब्सोल्यूट का कहेंगे तो हमने मोड लेना होगा। ठीक है, मोड लिया, और अब जब हम मोड लेते हैं ना, तो यहाँ पे 4 + 5 iota है ना, तो यहाँ पे 4 + 5 iota का भी मोड ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगता है। ठीक है, ये फार्मूला है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये फार्मूला इस तरह से है कि a का स्क्वायर आपके पास आएगा जो रियल टर्म है, यहाँ पे 4 + 5 iota है, इसमें ये रियल पार्ट है और ये 5 iota, iota के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a जो है ये रियल है और b जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट यानी 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लेंगे, उनको ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस तरह आप फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का तरीका। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, कंजुगेट निकालने का तरीका। ठीक है, तो इस तरह आप कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से आप फाइंड करेंगे, जेड इज इक्वल्स टू 4 + 5 iota आपने क्वेश्चन लिखा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको पता है आप मोड लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, मोड ले लिया और यहाँ आप फार्मूला लगा दें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ए क्या है आपके पास, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और बी क्या है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और ओवरऑल क्या है इसका, स्क्वायर रूट है, इक्वल है जेड के
मोड के इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, z का मोड इक्वल है 4 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आप देखें 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करके जस्ट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16, 5 का स्क्वायर होगा 25 और ओवरऑल स्क्वायर रूट इस तरह से, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और ओवरऑल आपने 16 स्क्वायर रूट डाल दिया यहाँ पर, 16 प्लस 25 आपके पास इक्वल होता है 41 के, ठीक है, और अंडर रूट एज इट इज लिखा। अब आपके पास मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 41 का स्क्वायर रूट आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, तो यहां तक ही आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू रखें कि ये आपके पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है और इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये है आपके पास इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर लिया यहां पर, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 क्या है आपके पास, माइनस 1 प्लस 7 आयोटा, ठीक है, माइनस 1 प्लस 7 आयोटा पार्ट 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आपने इसका भी कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहां पर एक बार जो है इसको लिख लेंगे नीचे, ठीक है, सॉल्यूशन लिखा आपने, उसके बाद एक बार क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें, माइनस 1 प्लस 7 आयोटा, देन आप यहां लिखें आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है कंजुगेट, तो आप लिखेंगे टू फाइंड कंजुगेट, ठीक है। तो कंजुगेट किस तरह से फाइंड करेंगे, इस क्वेश्चन को z के इक्वल ले लेंगे, लेट z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 आयोटा, ठीक है, और कंजुगेट जब हम फाइंड करते हैं तो दोनों के ऊपर बार ले लेते हैं, ठीक है, माइनस 1 प्लस 7 आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। जब ये बार हम हटाएंगे तो आपके पास आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस 1 लिखा, ठीक है, जैसे ये बार हटाया तो ये जो आयोटा वाली टर्म है इसके साथ प्लस साइन है ना, तो ये यहाँ पे माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का कंजुगेट हो गया, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, आप यहां लिख लेंगे टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपने क्या करना होगा, यहां पर दोनों तरफ मोड लेना होता है, ठीक है, जेड का मोड इक्वल है, क्वेश्चन क्या है आपके पास, माइनस 1 प्लस 7 आयोटा का मोड, ठीक है, और फार्मूला क्या है आपके पास, z का मोड इक्वल होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे z का मोड आपने लिखा वापस और यहाँ फार्मूला आपने लगा दिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर रियल पार्ट क्या है, माइनस 1 है यानी माइनस 1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 7 है, तो यहाँ पे आपके पास 7 का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर रूट आपने होल में लिख दिया और यहाँ z का मोड लगा दिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आएगा और ओवरऑल इसका स्क्वायर रूट लिख दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए z का मोड इक्वल है 49 प्लस 1 कितना होगा, यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है, यहां तक भी आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एलसीएम ले लें, ठीक है, 50 तो 5 10 जार आपके पास 50 और 5 2 जार 10 2 1 जार 2, ठीक है, ये आपने एलसीएम ले लिया। और अब आप इसको लिखेंगे किस तरह से कि z का मोड जो है वो आपके पास इक्वल है, देखिए 5 2 टाइम्स है तो 5 ने स्क्वायर रूट को कैंसिल किया और जो है आपके पास 5 यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है, और 2 जो है वो एक ही बार था तो वो स्क्वायर रूट के अंदर रहा, ठीक है। तो 5 अंडर रूट 2 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट 2 का, क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 जो है आपके पास इक्वल होगा, इक्वल क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, अंडर रूट 3 आयोटा है आपके पास, ये पार्ट 3 में अंडर रूट
3 आयोटा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। अब इसका भी आपने क्या करना है, कंजुगेट फाइंड करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला काम तो सॉल्यूशन लिखेंगे और एक बार नीचे इसको लिख लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, राइट कर लिया क्वेश्चन को नीचे, अंडर रूट 3 आयोटा लिख लिया। ठीक है, फिर हमने फाइंड करना है कंजुगेट। अब कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं, कंजुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेंगे एक बार टू फाइंड कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट निकालने के लिए आप क्वेश्चन को जो है इक्वल ले लेते हैं जेड के, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 आयोटा। फिर आप दोनों तरफ लेते हैं बाहर। ठीक है, अंडर रूट 3 आयोटा के ऊपर भी क्या ले लेंगे, यहाँ पे आपने बार ले ली। जब हम बार हटाते हैं तो आपको पता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जस्ट इमेजिनरी पार्ट ही मौजूद है, तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, जहाँ पे रियल पार्ट नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इस केस में रियल पार्ट जो है वो क्या है, वो जीरो है। ठीक है, वो नहीं है तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, रियल पार्ट को आप यहाँ पर जीरो लेंगे, तो आप यहाँ लिख दें रियल पार्ट जीरो है। तो साइन चेंज किसके होते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज होते हैं, तो हमें रियल पार्ट की यहाँ पे नीड भी नहीं है। तो हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर देंगे, बार हटाया तो बार जैसे हटाएंगे इमेजिनरी पार्ट के साथ यहाँ प्लस से यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और 3 आयोटा लिख दिया। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव साइन था, यहाँ नेगेटिव आ गया, साइन चेंज हो गया, ये आपने कंजुगेट ले लिया। ठीक है, कंजुगेट यहाँ पे इसका आ गया। फिर आप लिखेंगे टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, हम क्वेश्चन को जेड के इक्वल लेते हैं पहले तो, अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, इसको जेड के इक्वल ले लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी आप मोड लेंगे, यहाँ पे जेड का मोड इक्वल है, फार्मूला लगा दें, ए का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड का मोड आपने लिखा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए क्या है, रियल पार्ट क्या है, मैंने कहा यहाँ रियल पार्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हम एक ही जगह यहाँ पे जीरो का स्क्वायर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट आपके पास अंडर रूट 3 है। ठीक है, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, z का मोड इक्वल है। अब इसको थोड़ा सा आप यहाँ रफ पे देख लें कि ये मैंने क्या करूँगी, यहाँ पर अंडर रूट क्या है, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा। और ये देखिए अंडर रूट 3 है ना, यहाँ पे इस तरह से अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ये रफ पे करवा रही हूँ। ठीक है, पे आपने क्या करना है, स्क्वायर ने अंडर रूट को काट दिया तो सिर्फ रह गया 3, यानी ये किस तरह से हो गया, जीरो प्लस आपके पास यहाँ पर रह गया 3, और 0 प्लस 3 कितना होता है, 3 होता है। तो आप यहाँ पर भी देख लें, अंडर रूट स्क्वायर को, स्क्वायर ने अंडर रूट को कट कर दिया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 0 प्लस 3 क्या लिखूंगी यहाँ पर, अंडर रूट 3। तो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, क्योंकि मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, अंडर रूट 3 ही आपके पास आंसर, उसके बाद पॉइंट्स में आएगा तो आप यहाँ तक ही एंड कर दें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 करना है, तो देखते हैं पार्ट 4 क्या है। वो है आपके पास अंडर रूट 7 माइनस 3 आयोटा, अंडर रूट 7 माइनस 3 आयोटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन एक बार क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन, और फिर एक बार क्वेश्चन को नीचे राइट कर लें, क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 7 प्लस माइनस 3 आयोटा है। ठीक है, अब जब आपने क्वेश्चन को नीचे एक बार लिख लिया, देन आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखने के बाद जो है सिंपली यहाँ पर जो है सबसे पहले आपने कंजुगेट फाइंड करना है, उसके बाद आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। आप यहाँ लिखेंगे टू फाइंड कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट के लिए आप क्वेश्चन को किसके इक्वल ले लेते हैं, जेड के इक्वल, जेड इज इक्वल्स टू लेट लिख लेंगे आप पीछे, जेड इज इक्वल्स टू माइनस 3 आयोटा। ठीक है, फिर जेड का बार, क्योंकि हम कंजुगेट ले रहे हैं, बार ले लिया, अंडर रूट 7 माइनस 3 आयोटा का बार। ठीक है, जब बार हटाएंगे, यहां से बार हटाएंगे तो अंडर रूट 7 आ जाएगा और आयोटा वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं जब हम बार हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, ये प्लस साइन में चेंज हो जाएगा और
थ्री आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का कंजुगेट है। अब हम फाइंड कर लेते हैं इस क्वेश्चन की क्या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आप यहां लिख दें टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपने यहां लिखा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, फार्मूला लगा देते हैं कि z का मोड इक्वल है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के, ठीक है, और z खुद किसके इक्वल है, क्या था, अंडर रूट सेवन माइनस थ्री आयोटा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, ठीक है, z का मोड इक्वल है a का स्क्वेयर, यानी ये आपके पास रियल पार्ट का स्क्वेयर है अंडर रूट सेवन का स्क्वेयर, b का स्क्वेयर यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर माइनस थ्री का स्क्वेयर। तो यहां आप लिखें अंडर रूट सेवन का स्क्वेयर, बीच में प्लस फार्मूला का, बी का स्क्वेयर यानी माइनस थ्री का स्क्वेयर, ठीक है, माइनस थ्री का स्क्वेयर, और ओवरऑल फार्मूले में ये क्या है, स्क्वेयर रूट है, तो आप यहां पर भी क्या डाल देंगे, स्क्वेयर रूट डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपने क्या लिखना है, जेड का मोड जो है वो आपके पास इक्वल है, यहां पे देखें रफ में देख लें पहले, ठीक है, क्या किया हमने यहां पर, सेवन अंडर रूट सेवन का स्क्वेयर था, ठीक है, तो ये स्क्वेयर इसको कट करेगा, सिर्फ यहां से बचेगा सेवन, ठीक है, और यहां पर प्लस साइन और माइनस थ्री का स्क्वेयर है, थ्री का स्क्वेयर क्या होता है, नाइन होता है, ठीक है, थ्री का स्क्वेयर थ्री थ्री जार नाइन होता है, और माइनस का स्क्वेयर तो आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया और ये प्लस साइन एज इट इज। तो आपके पास इसकी जगह क्या आएगा, इसने इसको कट किया, यहां सेवन प्लस क्या आ रहा है, साथ में नाइन आ रहा है, ठीक है, और साथ स्क्वेयर रूट, ठीक है, सेवन प्लस नाइन जो है आपके पास इक्वल होता है किसके, सिक्सटीन के, ठीक है, और सिक्सटीन का स्क्वेयर रूट आपको पता है जो है किसके इक्वल होता है, फोर के, ठीक है, सिक्सटीन लिखा आपने और यहां पे जेड का मोड ले लिया, ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि सिक्सटीन का स्क्वेयर रूट क्या होता है, फोर होता है, फोर फोर जर क्योंकि क्या होता है, सिक्सटीन होता है, तो आप पहले फोर लिख लें, यहाँ पे फोर लिख लें, उसका स्क्वेयर ले लें और यहाँ इस तरह से लिख लें, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है सिक्सटीन का स्क्वेयर रूट ले लें, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, अदरवाइज फोर मल्टीप्लाई फोर सिक्सटीन से एक ही बात है, ठीक है, फोर को फोर से मल्टीप्लाई किया सिक्सटीन आ गया, तो अब ये स्क्वेयर इसको कट करेगा तो आपके पास तब भी फोर ही आ रहा है, डायरेक्ट स्क्वेयर रूट ले लें, अदरवाइज लिख के ले लें फोर मल्टीप्लाई फोर। तो यहाँ पे आपको आपके पास z का मोड जो है वो 4 आ गया, ठीक है, और इसके बाद ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही आपके पास इसका आंसर होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये था आपके पास पार्ट 4। अब हम करते हैं पार्ट 5 नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, 8 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, अभी तक इतना ही।